Good morning, everyone. Myself is Patel Sarkar, English Medium School, Sukesh. Today I am going to teach in Hindi third standard. तो हम यहाँ जोड़ाक्षर अभ्यास नंबर थ्री. तो जोड़ाक्षर अभ्यास नंबर टू में आगे पावर के प्रॉब्लम से वर्ण क्रमानुसार ये रह चुका था. ओके, निम्नलिखित प्रश्न नंबर चार देखिए. प्रश्न नंबर चार देखिए. निम्नलिखित शब्द वर्ण क्रमानुसार लिखिए. ओके, तो यहाँ जो कुल, बहन, माँ और पाठशाला चार शब्द दिए हैं. पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर देखिए. तो पहले वर्ण क्रमानुसार, यानी कि पहले स्वर, बाद में व्यंजन. स्वर से शुरू होने वाले शब्द राइट करने होंगे. तो यहाँ स्वर से शुरू होने वाले कोई भी शब्द नहीं है. तो यहाँ पहला क, ख, ग, ये कोई भी शब्द नहीं दिया है. लेकिन यहाँ फर्स्ट क्या आएगा, पाठशाला, प, प से पाठशाला. प आफ्टर कौन सा लेटर आएगा, फ, यानी कि फूल, फ. वैसे आप नेक्स्ट ब, ब से बहन, और लास्ट म से माँ. तो इस तरह आपको जोड़ाक्षर अभ्यास नंबर टू में वर्ण क्रमानुसार आपको राइट करना होगा अपनी होमवर्क की नोटबुक में. ओके, तो यहाँ देखे, यहाँ जोड़ाक्षर अभ्यास नंबर थ्री. तो यहाँ जोड़ाक्षर, यहाँ रेफ वाले शब्द दिए है. कौन से शब्द, रेफ वाले, सर्प, सर्प. यहाँ र का आधा उच्चारण होता है, इसलिए सर्प. नेक्स्ट मिर्च, मिर्च, र का उच्चारण आधा हुआ है, मिर्च. कर्तव्य, प्रकंपी, र का उच्चारण होता है आधा र, प्रकंपी. यानी कि हमारे जो माउथ में क्या होता है, प्रकंपी, यानी कि प्रकंप, र, र उच्चारण करते वक्त ये आधा र का प्रकंप, प्रकंपी कहते हैं. कर्तव्य. नेक्स्ट निर्भय, निर्भर. नेक्स्ट धर्म, र का उच्चारण कैसा हुआ, आधा र, प्रकंपी. वर्ष, मुर्गा. आप बोलकर देखिए ताकि आपको समझ में आ सके. गर्व, दर्द, और कार्य. तो इस तरह प्रकंपी र का यहाँ उच्चारण होता है, इसलिए ऊपर क्या आएगा, रेफ. रेफ की मात्रा इस तरह आएगी. देखिए ये यहाँ मुर्गा में व के ऊपर, म के ऊपर, श के ऊपर, व के ऊपर. ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पिक्चर दिए है, क्या दिया है, पिक्चर. पिक्चर देखकर हमें यहाँ जो नाम है वो हमें रीड करके राइट करना है. ओके, सर्प, ये किसका चित्र है, सर्प, सर्प, यानी कि गुजराती में क्या विशेषता, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्नेक, एस एन ए के ई, स्नेक. ओके, नेक्स्ट ये कौन सा पिक्चर है, मिर्च, मिर्च, चिली, सी एच आई डबल एल आई, चिली, चिली यानी कि मिर्च, मर्चा. नेक्स्ट दर्द, पी ए आई एन, पेन, यानी कि दर्द. हिंदी में क्या कहते हैं, दर्द.
गुजराती में शू कहवा दुखाव अपन पेट में दुखे ने, ने हिंदी में शू कहवाय दर्द, अंग्रेजी में पेन। नेक्स्ट मुर्गा, मुर्गा यानी कि कॉक, सी ओ सी के कॉक। ओके तो इस तरह कॉक यानी कि गुजराती में कुकड़ो कहवाय, हिंदी में मुर्गा, सी ओ सी के कॉक। ओके अब हम ये जो वाक्य दिए हैं ये हम रीड करेंगे। यहाँ बच्चे चित्र में देखे बच्चे हैं, वो तिरंगा अपना देश का जो तिरंगा झंडा है वो लेकर चलते हैं। ओके तो यहाँ हम वाक्य पढ़ेंगे, आप अपनी किताब में ध्यान दीजिए, पेज नंबर 12। ओके फर्स्ट वाक्य क्या है देखिए, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। हमारा देश क्या कहलाता है? भारतवर्ष। ओके क्या कहलाता है? भारतवर्ष। नेक्स्ट, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। यहाँ जन्मभूमि न का उच्चारण कैसा हुआ? आधा, इसलिए म के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म बोलकर देखिए, जन्मभूमि स्वर्ग, स्व स का आधा उच्चारण होता है इसलिए व से जुड़ा हुआ है, और यहाँ ग, ग के ऊपर रेप की मात्रा है। ओके स्वर्ग, र का उच्चारण प्रकंपी होता है और आधा होता है। ओके स्वर्ग से भी महान है। ओके नेक्स्ट, भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ भारत माता की हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्म समान माने जाते हैं। नेक्स्ट, हमें भारतीय होने पर गर्व है। अब हम वंस अगेन रीड करके गुजराती में समझेंगे। ओके हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है, अपना देश ने भारतवर्ष कहवाय छे। हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग करता पण महान छे। भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, भारत माता नी रक्षा करवी अमारु कर्तव्य छे। हमारे देश में सभी धर्म समान माने जाते हैं, हमारा देश में बधा धर्म सरखा मानवामा आवे छे, सरखा एटले समान। हमें भारतीय होने पर गर्व है, हमें भारतीय छे एना पर हमने अभिमान छे। ओके तो इस तरह हमें क्या करना है, ये जो वाक्य है दिए है उसमें से यहाँ देखिए भारतवर्ष, भारतवर्ष में यहाँ रेफ वाला शब्द है वर्ष, श के ऊपर, ऐसे स्वर्ग, स्वर्ग। नेक्स्ट कर्तव्य, धर्म, गर्व, इस तरह रेफ वाले शब्द यहाँ वाक्य में आए हैं। ओके अब आगे देखिए, आगे स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, पढ़िए और लिखिए, रीड एंड राइट। फर्स्ट वाक्य, मेंढक टर टर कर रहे हैं। मेंढक एटले शू? देड़को, गुजराती में देड़को कहवाय।
अने अंग्रेजी में फ्रॉग। ओके, पढ़िए और लिखिए। आपको यहाँ क्या करना है, पढ़कर એટલે કે વાંચીને એ વાક્ય લખવાનું છે, રાઈટ કરવાનું છે। ઓકે, મેંઢક ટર ટર કર રહે હે, દેખકર આપકો ક્યા કરના હે, લખના હે, સુંદર અક્ષરો મે અનુલેખન કરના હે। ઓકે, અનુલેખન કા મીનિંગ ક્યા હોતા હે, દિયે હુએ વાક્ય યા શબ્દ કો સુંદર અક્ષરો મે લખના। ઓકે, देखकर लिखना, ये अनुलेखन। मेंढक टर टर कर रहे हैं, आपको ये अपनी होमवर्क की नोटबुक में राइट करना है, देखकर लिखना है। नेक्स्ट, उनकी बोली कर्कस है, उनकी बोली कर्कस है, ये आपको देखकर लिखना है नोटबुक में। नेक्स्ट, स्वार्थी व्यक्ति को पहचानो, क्या दिया है, स्वार्थी व्यक्ति को पहचानो। यहाँ श आधा श का उच्चारण होता है, इसलिए व के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अर्जुन धनुर्विद्या में बेजोड़ है, यहाँ अर्जुन र आधा बोला जाता है और प्रकम्पी है, इसलिए ज ऊपर रेफ और नीचे बस वाले। अर्जुन धनुर्विद्या, धनु नु के बाद प्रकम्पी र का उच्चारण होता है, इसलिए ऊपर बी के ऊपर रेफ आती है, धनुर्विद्या में बेजोड़ है। ओके, नेक्स्ट, हर्ष की बातों में कोई अर्थ नहीं, नहीं हर्ष, हर्ष रका उच्चारण आधा और प्रकम्पी है। ओके, हर्ष की बातों में कोई अर्थ नहीं, अर्थ अर्थ शब्द में भी रेफ वाला शब्द है, तो आपको ये क्या करना है, रीड करके राइट करना है। ओके, अब आगे देखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। यहाँ क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, ये हमें भरना है। ओके, फर्स्ट, हमारी यहाँ ब्लैंक्स है, स्वर्ग से भी महान है, वाक्य दिए हैं, उसमें से ढूंढकर हमें राइट करनी है। हमारी क्या आएगा, वाक्य देखिए, यहां हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो यहां ब्लैंक में क्या आएगा, देखिए, यहां जन्मभूमि। ओके, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। नेक्स्ट, हमारे देश में भी यहाँ ब्लैंक्स समान माने जाते हैं, ब्लैंक्स में धर्म है, तो वाक्य में देखिए, हमारे देश में सभी, या ब्लैंक्स में क्या आएगा, धर्म, धर्म समान माने जाते हैं। ओके, आपको समझ में आया, यहां देखिए, हमारे देश में सभी धर्म समान माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे देश को क्या कहा है, अपनी किताब में देखे, वाक्य में देखो, हमारे देश को क्या कहा जाता है, भारत वर्ष, आंसर क्या आएगा, हमारे देश को भारत वर्ष कहा है। यहां देखिए, इस तरह आपको टाइट करना है,
इस तरह हमारे देश को क्या कहा है, हमारे देश को क्या की जगह हमें क्या राइट करना है, भारत वर्ष, भारत वर्ष, भारत वर्ष कहा है। ओके नेक्स्ट, हमारा क्या कर्तव्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां हमारा क्या कर्तव्य है, आंसर क्या आएगा, हमारा क्या कर्तव्य है, आंसर आएगा भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो आपको क्या की जगह क्या राइट करना होगा, भारत माता की रक्षा करना। ओके अब हम वाक्य में देखेंगे, यहां देखिए, भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ओके अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, हमें किस बात पर गर्व है, हमें आंसर क्या आएगा, हमें भारतीय होने पर गर्व है। अपनी किताब में देखिए, यहां देखिए लास्ट वाक्य में, हमें भारतीय होने पर गर्व है, आंसर क्या आएगा, हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो इस तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। ओके अब हम आगे देखें, आगे देखेंगे, अब पाठ में आए हुए रेफ वाले, यहाँ ये चिन्ह है, ये रेफ का चिन्ह है। ओके रेफ वाले शब्द अधोरेखांकित कीजिए, अंडरलाइन द रेफ वर्ड्स इन द लेसन। तो हमें यहाँ देखिए वाक्य में क्या करना है, रेफ वाले शब्द ढूंढकर राइट करने हैं। तो यहाँ भारत वर्ष श के ऊपर रेफ है, ओके भारतवर्ष। दूसरे वाक्य में देखे स्वर्ग, तीसरे वाक्य में देखे कर्तव्य, और चौथे वाक्य में धर्म, और लास्ट गर्व। ये आपको राइट करने होंगे। ओके रेफ वाले शब्द, तो इस तरह आपको राइट करना है। यहाँ यहाँ देखिए, इस तरह आपको भारतवर्ष अपने होमवर्क के नोटबुक में यहाँ सामने ब्लैंक्स दी गई है, तो ये हमें वाक्य में से इस तरह ढूंढकर राइट करना है। भारतवर्ष, यहाँ भारतवर्ष लिखना है, स्वर्ग, कर्तव्य, गर्व, धर्म। ओके इस तरह अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर सिक्स, अपना राष्ट्र अपने सॉरी प्रश्न नंबर पांच यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव, अपने राष्ट्र ध्वज के रंगों के नाम लिखे, राइट द कलर्स ऑफ अवर नेशनल फ्लैग, फ्लैग यानी कि झंडो। अपने राष्ट्र ध्वज के कितने रंग है, तीन, कौन कौन से, केसरिया, सफेद और हरा। ओके ये देखिए आपको
इस तरह राइट करना है, अपने राष्ट्र ध्वज के रंगों के नाम लिखिए। तो आंसर क्या आएगा, अपने राष्ट्र ध्वज के तीन रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया यानी कि केसरी, सफेद हरा इतने के लीला। ओके, तो इस तरह आपको ये अपने होमवर्क की नोटबुक में रीड करके राइट करना होगा ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपना राष्ट्रगीत याद कीजिए, रिमेम्बर अवर नेशनल अनदेम। ओके, तो यहाँ अपना राष्ट्रगीत, हम राष्ट्रगीत बोलते हैं ना, कौन से त्योहार पर बोलते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगीत बोलते हैं, ये आपको याद करके बोलना है। ओके, आपको समझ में आया, तो इस तरह आप रीड करके राइट करना ताकि आपको आ सके। ओके, वंस अगेन ये वाक्य हम पढ़ेंगे, हमारा देश भारत वर्ष कहलाता है, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, भारत माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे देश में सभी धर्म समान माने जाते हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमारा देश को क्या कहलाता है, भारत वर्ष। हमारी जन्मभूमि किससे महान है, स्वर्ग से भी महान है। भारत माता की हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है, भारत माता की रक्षा करना। हमारे देश में सभी धर्म कैसे है, समान। आपको पूछा जाएगा कि हमारे देश में सभी समान माने जाते हैं, तो क्या आएगा ब्लैंक में, धर्म। ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे देश में सभी धर्म ब्लैंक्स दी जाएगी और माने जाते हैं, तो हमें क्या राइट करना है, समान। हमें किस पर गर्व है, हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो इस तरह आपको रीड करके वाक्य रीड करना है, और बाद में आपको क्वेश्चन आंसर लिखते वक्त आपको रीड करके ही राइट करना। ओके, थैंक यू।